आप नीलू हैं? हाँ मैं नीलू हूँ, आप कौन, क्या काम है? कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या जी? उनके पास आपका नंबर नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है। उनको मालूम था कि आप यहाँ पे काम करते हैं, सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है आपका भाई। मुझे शायद जाना पड़ेगा, मैं शीदा भाभी से पूछ के आती हूँ। भाभी क्या हुआ? मैंने आवाज सुनी, बाहर कोई आया है? भाभी एक बंदा आया है, उसने मुझे बताया मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया, क्या मैं जाऊं? क्या तुम पागल हो गया? तुम जल्दी जाओ, तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो ये बात? एक मिनट, एक मिनट। ये पैसे रखो कुछ, ठीक है? तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम लेकिन जल्दी जाओ। पर भाभी आप यहाँ पे अकेली? अरे कुछ अकेली नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम दरवाजा ठीक से बंद करके जाना, जल्दी निकलो तुम, ठीक है? ठीक है भाभी। रमन आजा पुत्र, आजा पूजा में बैठ जा। इश्ता कहाँ है? हम उसे घर पर छोड़कर आए, उसकी तबीयत के लिए। ये हवनकुंड का धुआं ठीक नहीं है ना, उसके पास हम नीलू को छोड़कर आए, घर पे आराम कर रही है। तू चिंता ना कर, छोड़ा है आप लोग उसे, कमाल कर दो आप लोग भैया। तो टेंशन ना ले, सब ठीक है, ध्यान रखेगी उसका। चल चल पूजा कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हेलो केशिता, क्या कर दी है? घर पे अकेली रुक गई तुम नीलू के साथ? मैं वहां रहा तुम्हें लेने। बस रमन, मम्मी जी ने पूजा खास हमारे लिए की है ना, अब क्यों इतना पैनिक कर रहे हो? रमन मैं बिल्कुल ठीक हूँ घर में, प्लीज। केशिता मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, जिसको बुरा लगने लगे। रमन जैसी पूजा होगी ना आप तुरंत आ जाना, नीलू है घर पे। और कुछ भी हो तुम सीधा मुझे फोन करना। हाँ तो रमन से झूठ बोलना इतना बुरा लगता है, पर क्या करूं, भागे भागे यहां आ जाते। समझते ही नहीं है मुझे अपने घर में क्या खतरा हो सकता है। अजीब सा फील हो रहा है, आई जस्ट होप कि इशिता वहां ठीक हो। पापा क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? मुझे इशिता की फिक्र हो रही है, उससे बात नहीं हो पाई, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी। शमा बिल्कुल ठीक है, नीलू दीदी है उनके पास, फोन पे बात कर लीजिए ना। प्लीज फोन लगाया। क्या हुआ? किसी ने लाइन ठीक से रखी नहीं है, गिर रहा है। नहीं शमा के फोन पे कर लेता। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। क्यों? स्विच ऑफ आ रहा है। कौन? शायद रेस्ट कर रहे होंगे तो शायद नीलू दीदी ने बंद कर दिया होगा। मुझे घर जाना है, मुझे तेरे पास जाना है, एक काम कर तू। किसी को बोलना मत, मैं जा रहा हूँ, उस बीच तेरी बात हो तो मुझे फोन कर। अरे अभी भाई कहाँ जा रहे हो आप, ऐसे पूजा बीच में छोड़ के नहीं जाते, अब शगुन होता है। मैं घर जा रहा हूँ के पास, सिमी मुझे फिक्र हो रही है, उसका फोन ऑफ है। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप खुद बताओ, बेचारी इश्ता ने इतना कुछ सहा है, एंड यू डोंट वरी, मेरी नीलू से बात हो गई है, दोनों बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज पूजा करो। तेरी बात हुई ना पक्का? हाँ अभी बात की है मैंने नीलू से। चलिए बहुत मुश्किल से मिला मुझे मौका इश्ता,
ये मौका मैं छोड़ने वाली नहीं। बहुत चालाक बनती है ना तू। अब तो देख, बस उस आदमी को प्रूफ मिल जाए जो तूने मेरे खिलाफ छुपा कर रखा है, फिर तुझसे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। जी ने कहा था कि कोई प्रूफ है जो उनके खिलाफ है, लेकिन इस औरत ने छुपाया कहाँ है? प्रूफ है कहाँ? वहां देखता हूं। घर में तो कोई नहीं है तो ये आवाज। नीलू वापस आ गई क्या? नीलू, नीलू, पीहू के कमरे से आवाज है। नीलू, नीलू तुम आ गई हो क्या? कौन है? कौन है वहां? नीलू कौन है? तुम्हारी सर्वस इशिमा, मैंने आपको डरा दिया। अरे पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबके साथ गई नहीं मंदिर? वो मैं शितिजा के साथ हाइड एंड सीख खेल रही थी तो मैं यहाँ छुप गई थी। शितिजा मुझे ढूंढने ही नहीं आए। जब मैं कबर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी तब कबर्ड खोल ही नहीं रहा था। ओ, पर मुझे लग रहा था तुम तुम्हारी फ्रेंड के पास गई हो। एक्चुअली शितिजा का मन नहीं था इसलिए हम यहीं आए, हाइड एंड सीख खेल रहे थे। वो पूरी फैमिली के साथ गई होगी पूजा करने के लिए। वो भूल गई होगी कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। पर अच्छा है ना तुम मेरे साथ हो, वरना मैं कितनी बोर हो जाती यहाँ पे अकेले। हाय इशिमा, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में खेलेंगे हाइड एंड सीख। हाइड एंड सीख डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले भूख नहीं लग रही है तुमको? खाना खाना है ना कुछ? हाँ, मैंने लंच के बाद कुछ नहीं खाया। आप रुको, मैं कुछ लेके आती हूँ। नहीं, अरे क्यों क्यों रुको, इशिमा को दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शोमा पता नहीं है कि तुम्हारी फेवरेट कुकीज कहाँ रखी हैं। फेवरेट कुकीज खानी है ना? तो चलो लेकर आते हैं। एक सेकंड इशिमा, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ, जल्दी से जाकर आओ, मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। कब तक? ये रिंगटोन की आवाज, ये तो घर में किसी का भी नहीं है। हेलो, हाँ बोलो। इशिमा, कोई आवाज आ रही है बाहर से। पीहू, अरे मैं घर पे ही हूँ। पीहू, आवाज आ रही है, मुझे तो किसी की बात करने की आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? नहीं इशिमा, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मेरे कान ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। मैं चेक करके आती हूँ कि कौन है, ठीक है? नहीं इशिमा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? आप यहीं रुकोगे, इशिमा चेक करके आएंगी, ओके? पर इशिमा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं आपको कैसे जाने दूंगी? तुम बड़ों जैसी बातें मत करो। पीहू, आई एम श्योर खिड़की के बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज आ रही होगी, ठीक है? जस्ट लेट मी गो एंड चेक इट, ओके? यू आर गुड गर्ल, ऑलराइट? एक काम करो, आप आपका गेम निकालो, कोई लूडो निकालो, ठीक है? या फिर स्टोरी बुक निकालो, आप मुझे स्टोरीज सुनाना, ऑलराइट? मैं तब तक मैं देख कर आती हूँ, चेक करके आती हूँ। चलो, यू जस्ट बी हियर, ओके?
नहीं, उसे कोई शक नहीं हुआ। अरे वो अपने कमरे में थी, एक बार लगा कि नीचे आ रही है। अरे आप चिंता मत करो, बस थोड़ा टाइम दो मुझे, अभी आपका काम हो जाएगा। मेरा काम होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो मुझे बताओ, वहां पर कोई प्रूफ मिला तुम्हें? नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला। अरे कोई क्लू या हिंट भी तो नहीं है कि प्रूफ है क्या? थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। क्या पता कि वो बातें बना रही है, उसके पास कोई प्रूफ हो ही नहीं। तुम एक काम करो, मार दो उसे। क्या? मार दूं, मार दूं, मार। हाँ। पर बात उसे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, मार दो उसे। वो औरत बहुत खतरनाक है, अगर उसकी आंखें आ गई ना तो वो मेरा जीना दुश्वार कर देगी, समझ आई? इसलिए अभी ज्यादा सोचो मत, मार सकते हो या नहीं? क्या है तुम्हारे पास, गन या चाकू? चाकू है मेरे पास, और उस रिश्ता को मारने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कौन है बाहर? पियू, पियू, आप मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना। लिसन, बाहर कोई आदमी हमारे घर में घुस कर आ गया है। लिसन, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना होगा और समझदारी से काम करना होगा, ठीक है? मेरी हेल्प करोगे आप? थैंक यू। अरे मुझे 10-15 मिनट दो, मैं ट्राई करता हूँ। अगर कुछ मिल गया तो उसे मारना नहीं पड़ेगा। तुम अपना दिमाग मत चलाओ, सिर्फ अपना काम करो। औरत बचनी नहीं चाहिए। आवाज नहीं आ रही। इश्मा, आपका फोन किधर है? मेरा फोन मैंने नीचे रख दिया था, मैं पानी लेने गई थी तो छूट गया। मैं क्या करूं? आप सोचते हैं कुछ, ठीक है? ये भी काम पियू, खिड़की यहाँ पे है क्या? आवाज आ रही है वहां से, दिखाओ। नीचे क्या हो रहा है? नीचे कुछ लोग सामान रख रहे हैं। कोई काम का इंसान नीचे दिख रहा है क्या? हमारे पहचान का कोई है क्या? हाँ, वॉचमैन अंकल नीचे घूम रहे हैं। इश्मा, मैं अभी आवाज देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आवाज मत देना। एक काम करो, जल्दी से पेपर और पेन लेकर आओ, जल्दी से। लिखो क्या? बड़े लेटर्स में लिखो। हाँ, हेल्प, HELP, हेल्प। पर इश्मा, हमें तो पापा का नाम भी लिखना चाहिए ना। पापा, हेल्प रमन भल्ला। तो वॉचमैन अंकल को समझ में आ जाएगा कि उन्हें हमें हेल्प करना है। नहीं नहीं, पापा का नाम मत लिखना, किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया लेटर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो, तुम लिखो रावण कुमार। क्या जो बोल रही हूँ, लिखो पापा का नंबर और उसके आगे लिखो झांसी की रानी को बचाओ। लिख दिया, जल्दी से पेपर फाड़ो। एक काम करो, कोई हैवी चीज लेकर आओ, जो फेंके तो टूटे नहीं। जस्ट गेट समथिंग। पीपल वेट, जल्दी रहो। अभी से खिड़की के बाहर फेंको आप, वॉचमैन अंकल के पास में। ओह नो, क्या हुआ? पेपर तो कार के नीचे चला गया। कोई बात नहीं, फिर तुम इधर आओ मेरे साथ।
रही है मुझे। क्यों दरवाजा लॉक्ड है? नहीं, ऊपर से लॉक करना है। कहाँ? उधर उधर। इशिमा को एक काम करना होगा, नीचे जाके मुझे चेक करना है कि वो इंसान कौन है, क्या कर रहा है। मैं आपको अलमारी के अंदर बंद कर रही हूँ, पर मैं आसपास ही रहूंगी, ठीक है? So you don't have to be scared, you're my good girl. पर इशिमा, आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस मेरी बात मान लो, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी आपके लिए, माई गर्ल, माई गुड गर्ल। चलो चले के चलो अलमारी तक। मैं आसपास ही हूँ, ठीक है? डरना मत आप, ठीक है? पापा वेलकम। डोंट वरी, आराम से। उस आदमी को इस कमरे के करीब नहीं आने दे सकती, मुझे पियू को सेफ रखना होगा। यही कहीं है, मुझे इस कमरे से दूर ले जाना होगा। वो रही, पर वो मुझे देख नहीं सकती। सिमी परम का सबूत तो घर पर रखा है, पर भूल कैसे गई? यही सही समय है, मैं चेक करती हूँ कहाँ रखा था मैंने। मैंने के रूम में था। ये तो क्लू की बात कर रही है, पहले इससे क्लू हथिया लेता हूं, फिर इसे मार दूंगा। पागल हो, मैं कैसे भूल गई थी कि घर में प्रूफ है, घर पे कोई नहीं है। यही सही वक्त है वो प्रूफ निकालने का, उसे ठिकाने लगाने का। अकेली हूँ ना घर पे, यहाँ तो कोई है नहीं, मैं भी पागल हूँ। मैं ही टकराई होंगी कहीं से और मुझे लग गया जैसे कि कोई है। कोई नहीं है यहाँ। अभी मैं चेक कर लेती हूँ, यही अच्छा मौका है। फिर मैं सिब्बे और परम दोनों को पकड़वाऊंगी पुलिस से। कोई नहीं है ना घर में? सबूत याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखा था। मुझे मालूम है कि क्लू यहीं कहीं मैंने रखा था, मुझे अच्छी तरह से पता है। जी प्लीज, अब इशिमा को कुछ नहीं होने देना।
स्मार्ट प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।